नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में मसला यह है कि हरियाणा की राजनीति में ताजा क्या हो रहा है, करंट में क्या चल रहा है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में, लोगों में भी, सियासत में भी, हर जगह चर्चा है कि 18 तारीख को क्या होने वाला है। आपको पता है दोस्तों, 18 अगस्त को रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली रखी है और उसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। मतलब 18 को क्या हुड्डा नई पार्टी बनाएंगे या फिर हुड्डा को कोई कमान मिलने वाली है कांग्रेस से, क्या कुछ हो सकता है। हुड्डा समर्थक जो नेता हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि 18 तारीख को बहुत बड़ा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा, मतलब बहुत कुछ उनकी ओर से बयान सामने आ रहे हैं। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि 18 को क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान 18 तारीख की रैली को लेकर, या फिर ये चर्चा की हुड्डा अलग पार्टी बना सकते हैं उस पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं, और उसके ठीक बाद फिर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सुनाते हैं। सबसे पहले बयान सुनाते हैं हरियाणा में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला। सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। और जहां तक अलग पार्टी की बात है तो इस प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जो बहुत बड़े नेता थे, जननेता कहलाए हरियाणा प्रदेश के, वो अपनी पार्टी को नहीं चला पाए। चौधरी बंसीलाल अपनी पार्टी को नहीं चला पाए, चौधरी भजनलाल जी की पार्टी नहीं चल पाई। और ये पार्टियां अगर सत्ता में आई, चौधरी देवीलाल से लेकर के ओम प्रकाश चौटाला जी तक, चौधरी बंसीलाल जी, किसी की भी बात करें, जो गैर कांग्रेसी नेता थे, सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के बिना, कभी ये सरकार बनाने की हरियाणा प्रदेश में हिम्मत नहीं कर पाए। तो आपने सुना सुभाष बराला कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने, मुख्यमंत्री ने अगर अलग पार्टी बनाई है तो वह फिर अपने दम पर सत्ता में कभी नहीं हरियाणा में आया है। जो लोग भी इससे पहले आए हैं उनको बीजेपी की जरूरत पड़ी है, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन करके ही वो सत्ता में आए हैं, इसलिए हुड्डा साहब को यह याद रखना चाहिए। अब आपको बयान सुनाते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का, वो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बेटा लोकसभा का सांसद है और घरवाली विधायक हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि मैं हुड्डा को एक सलाह देता हूं, और वो सलाह क्या देते हैं वो पहले सुनिए फिर बात करते हैं। लेकिन अब वो नेता बन गए, लेकिन मैंने उनको एक अच्छी सलाह दी है, मैंने कहा कांग्रेस मत छोड़ना, जिसने छोड़ी है वो उसका बिस्तर बंद हो गया, मेरे को छोड़ दिया। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं था, जिन मुख्यमंत्रियों ने उनका बिस्तर बंद हो गया। और दूसरा मैंने कहा कि अगर छोड़ने का इरादा ही है तो फिर मैंने कहा बीजेपी की सोचना, और मैंने कहा अपनी पार्टी बनाई तो वही हाल होगा जो पूर्व सब मुख्यमंत्रियों का हुआ। तो ये सच्चाई है, बाकी मौका भी है क्योंकि सारी पार्टियां टूट फूट गई, किसी में दम है नहीं। तो आपने सुना दोस्तों चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं, वो भी बराला की तरह ही एक तरीके से बोल रहे हैं कि हुड्डा को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए कांग्रेस, उनको याद रखना चाहिए कि जो पहले के मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, अगर उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई है तो फिर उनका हश्र क्या हुआ है। हाँ, अगर वो पार्टी छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं तो उनको सलाह है कि वो बीजेपी में आ जाएं। ये आपने सुना, तो ये कुछ सियासत में चल रहा है हरियाणा की सियासत में। अब इस पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की गई, चर्चा की गई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा वो भी सुनिए। जो भी सरकार से परिवर्तन चाहता है, इसको धक्का देना चाहता है, सभी निमंत्रण सभी को आते, भाजपा वाले भी आ जाओ जो सरकार से निजात चाहते लोगों। तो आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं
कि ये जो महापरिवर्तन रैली है इसमें वो सभी लोग आ सकते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। और हुड्डा ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के लोग भी कुछ हैं जो परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। मतलब वार पर पलटवार हो रहा है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है दोस्तों, 2 महीने बचे हैं। हर कोई बड़ा नेता जनता के बीच में जा रहा है, वहां पर जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। बीजेपी भी एक यात्रा निकालने वाली है, मुख्यमंत्री साहब यात्रा निकालने वाले हैं। वहीं जो हुड्डा है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, 18 तारीख की जो रैली रखी गई है। बाकी दूसरे नेता भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और दल बदल का मौसम भी चल रहा है, रैलियों का मौसम भी चल रहा है। नजरें हैं 18 तारीख पर कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नया क्या करने वाले हैं, क्या जो उनकी ओर से कहा जा रहा है नया धमाका होगा, क्या धमाका होगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। और उस रैली के बाद ही पता चलेगा कि उसके बाद फिर हरियाणा की स्थिति क्या है, क्या कुछ नजर आ रहा है, कांग्रेस कहां खड़ी है, जेजेपी, INLD और बीजेपी ये सब कहां खड़े हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी कमेंट के जरिए बताएंगे। और ये जो सिचुएशन चल रही है हरियाणा में, हरियाणा की सियासत में ये वार पलटवार जो चल रहा है, बयानबाजी है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है वो भी बताएंगे। और दाम मसला चैनल, YouTube जो चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो बड़े मुद्दे होते हैं उन पर हम एनालिसिस करते हैं, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। द मसला का फेसबुक पेज भी आप जरूर लाइक कीजिएगा, जो दिन भर की तमाम खबरें होती हैं वो पेज के जरिए आप तक पहुंचती हैं, कोई ब्रेकिंग कोई और, वो भी आप जरूर लाइक कीजिएगा। और damasla.com वेबसाइट पर भी जरूर जाकर आप दिन भर की खबरों के बारे में जान सकते हैं। जाते जाते सभी हरियाणा वालों को हमारी राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।